श्री महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन भूआ रही जालौन। मैं विवेक कुमार। जैसा कि आज का टॉपिक है टेंस। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं, जो हमें समय के बारे में बताता है। यहाँ पर बताया गया है, नंबर एक, बीता गया समय जो बीत चुका हो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। दूसरा होता है जो समय चल रहा है करेंट में, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जो होगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनको आगे चार भागों में बांटा गया है, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि पहला टेंस का पार्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। और इसको जब बनाते हैं तो डू या डज में से किसी एक को लेते हैं, अगर कोई वाक्य नेगेटिव होता है। अगर कोई सिंपल वाक्य होता है तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिया जाता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिस वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज आर एम का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग करते हैं। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके है आदि शब्द आते हैं, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से किसी एक को लिया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से सेंटेंस नंबर फोर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, साथ में समय भी दिया हो, तो वहाँ पर हम हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट के बाद हम समय के लिए सिंस या फोर में से एक किसी एक का प्रयोग करते हैं। सिंस निश्चित समय के लिए और फोर अनिश्चित समय के लिए आता है। जैसा कि पास्ट टेंस को हम भूतकाल टेंस भी कहते हैं, इसके भी प्रेजेंट टेंस की तरह चार भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, इसमें ता था, ताती, ता थे, और पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थे, रहे थे। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थे, रहे थे के साथ समय भी दिया जाता है। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें अगर कोई टेंस नेगेटिव बनता है तो डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में बाज वर्ब में से कोई एक लिया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हैड को लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस और फोर में से किसी एक को लिया जाता है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल, जो अभी हुआ नहीं, होने वाला है। इसको भी चार भागों में बांटा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होगा, होगी, होगी। यहाँ पर बिल और सेल में से किसी एक को लिया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आता है, वहाँ बिल भी ऑब्लिक सेल भी में से किसी एक को लेते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, वहां पर हम विल हैव ऑब्लिक सेल हैव में से किसी एक को लेते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेंगे। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय भी दिया जाता है, वहां पर हम विल हैव ऑब्लिक सेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में से किसी एक को लेते हैं। इन सभी सेंटेंसों के बारे में हम एक एक करके आपको आगे बताएंगे।